हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आयुष अमन और मैंने अभी जस्ट ही इस CMA इंटरमीडिएट क्वालिफाई करा है। और मेरा पहला ग्रुप जो कि ग्रुप वन है वो पिछले अटेम्प्ट में निकल चुका था, और ये ग्रुप टू जो है बेसिकली CMA के वो हमारी इस बार निकली है जून अटेम्प्ट वाली। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर यार आप CMA या CA एस्पिरेंट हो और आप अगर ढूंढ रहे हो कोई बेस्ट फैकल्टी, स्पेशली फॉर टैक्सेशन की बात अगर मैं करूँ तो मेरे सर जिनसे मैंने ट्यूशन ली थी, जिनसे मैंने पढ़ा था, CMA JS मल्होत्रा सर, वो बहुत ही बेस्ट हैं। उनका पढ़ाने का तरीका ही बहुत अलग है। और पता नहीं लोगों को ऐसी क्या कंसेप्शन पहले से माइंडसेट होती है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब टैक्स बहुत हार्ड है, टैक्स ही फेल करवाता है। तो बेशक टैक्स फेल करवा सकता है और करवाया भी है बहुतों को। तो एक्चुअली क्या है कि टैक्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, आप किस तरह से उसको पढ़ते हो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और गाइडेंस कैसी है सब्जेक्ट में, कमांड कैसा है, प्रैक्टिस कैसी है, ये इम्पॉर्टेंट करता है। तो ये सर से जब मैंने कांटेक्ट करा था बेसिकली ग्रुप वन से ही, तो इनका चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर ले चाहे डायरेक्ट टैक्स की बात कर ले, इनका पढ़ाने का तरीका सर का बेसिकली रिविजनरी लेक्चर्स, वीडियोस, मैराथन्स, टेस्ट सीरीज इतने हेल्पफुल होते हैं। और सर का पढ़ाने का वे ऑसम है यार, ये मैंने देख लिया। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे सर के सब्जेक्ट में GST में 73 मार्क्स, इंस्टीट्यूट दोस्तों एग्जामिनेशन 60 मार्क्स में रहती है, बट मैं तो 60 मार्क्स वाला बंदा हूँ नहीं, मैं तो JS मल्होत्रा का स्टूडेंट हूँ। तो उन सर का जो स्टूडेंट हो वो कैसे पीछे रह सकता है यार। तो 73 मार्क्स इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैटर करते हैं दोस्त। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई बेस्ट फैकल्टी के लिए सोच रहे हो फॉर द स्पेशली फॉर टैक्सेशन, तो बिल्कुल आप JS मल्होत्रा सर को रेफर कर सकते हो। हिज वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल। मतलब मुझे प्यार हो गया था टैक्स से, और मुझे जितनी भी डाउट्स थी, मुझे जो भी डर था सर के पढ़ाने के वे से, और अब मतलब कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा रहा। और बेशक मैं आगे फाइनल में भी सर से ही GST और टैक्स लेने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर से पास होगा फाइनल में। थैंक यू।